अब आता है बेटा जी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर इक्वल टाइम. ठीक है, लाइक आप घर से निकले, ठीक है, हमने क्या निकले होम से, ये रहा हमारा होम और ये रहा हमारा स्कूल. हमने इक्वल डिस्टेंस मतलब कि 5 किलोमीटर कवर किया 10 मिनट्स में, तो ये क्या हो गया हमारा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और नॉन यूनिफॉर्म में क्या आ जाता है, ठीक है, कि हमने घर से निकले थे और स्कूल के लिए, मतलब डिस्टेंस तो हमारा कितना था 5 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन एक पर्सन ने कितने में कवर किया से 10 मिनट में, दूसरे पर्सन इसको कवर किया 15 मिनट में, तो ये क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म को हमेशा हम किससे डोनेट करते हैं, जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. ये क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड. और इसको हमेशा हम किससे डोनेट करते हैं कर्व्ड लाइक नॉन यूनिफॉर्म. अब देखो इसको मैं, देखो इसको मैंने आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट करी हूं. अब ये है यूनिफॉर्म स्पीड है, देखो ये क्या आ रहा है स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये हमने एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा टाइम, वाई एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस, तो इसमें क्या आ रहा है स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स ये क्या है यूनिफॉर्म स्पीड. अब इसमें ग्राफ कैसा आ रहा है कर्व्ड आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है. और ये क्या है स्टेशनरी, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया है. स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है बच्चा जी रेस्ट, क्या होता है इसका मीनिंग रेस्ट. अब इसमें क्या है ये स्टेशनरी चला है, मतलब कि अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, ठीक है, क्लियर. अब देखो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस मैंने सबको बता दिया था कि कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट कि कितने में डिस्टेंस कवर किया है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टर डिस्टेंस, लाइक अब मैं एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है. अब यहां देखो ये एक कोई ऑब्जेक्ट है ओ और ये ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, इतने पे. और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है हमारा बी और एक ऑब्जेक्ट है सी, ठीक है. अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है मान लो कि 10, इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना है 10, इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना है 10. इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से ओ टू ए गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया हमारे ऑब्जेक्ट ने, कितना करेंगे 30, 10 + 10 + 10 इजिकल टू 30. और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा बेटा जी 30, ठीक है. अब आ जाता है, अब ओ से गया है, अब ओ से ए हमारा गया था प्लस अब ए से ए टू बी आ रहा है, तो इट मीन्स कितना आया 30 + 10, इट मीन्स कितना हो गया हमारे पास 40. ये क्या हो चुका है हमारा डिस्टेंस, ठीक है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 30 - 10, इट मीन्स 20, क्योंकि जितना हम पीछे आएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारी डिक्रीज होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारी डिक्रीज. और एक पॉइंट पे अब डिस्प्लेसमेंट थी जो ए ओ से अगर ए पे आए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 30 थी, अगर ए से दोबारा ओ पे गए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 10 10 10 30 + 30 60. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा जी 0, क्योंकि वो पॉइंट अपने इनिशियल पे आ चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी हमारी 0 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 60. अंडरस्टूड. तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस. तो ये क्या है डायरेक्शन, मतलब इसमें स्केलर क्वांटिटी. अब डिस्टेंस जो होता है वो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है कि कितना आया है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें तो पोजीशन चेंज हुई है, वो वापिस भी तो आया तो वो चेंज हो रही है, क्योंकि पहले कितना था हमारा स्थिर 30 था और दोबारा घूम के कितना आ गया 0, तो ये 0 हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता. और ये क्या होता है शॉर्टर डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, क्लियर. ये इनमें डिफरेंस है, ये क्या होता है शॉर्टर डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट कि कितना कवर करेगा. अब आ जाता है स्पीड, स्पीड का फार्मूला भी आप सबको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है. और ये क्या होता है ये कभी भी चेंज नहीं होता, तभी ये क्या है स्केलर क्वांटिटी. और ये चेंज होगा क्योंकि जहां पर ट्रैफिक है वहां पर स्पीड कम हो जाएगी, जहां पर ट्रैफिक नहीं है वहां पर स्पीड स्मूथ चलेगी, तो ये क्या हो रहा है चेंज हो रहा है और ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये चेंज नहीं हो रहा इसी कारण ये क्या है स्केलर क्वांटिटी. और ये चेंज होता है इसी कारण ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी. ये कभी भी 0 नहीं हो सकता और इट कैन बी 0, और ये 0 हो सकता है क्योंकि वह जब स्पीड वहां पर ट्रैफिक रहेगी तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो 0 हो ही जाएगा.
और एक्सिलरेशन. तो चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम की वेलोसिटी चेंज हो जाती है. लाइक अब हमारी कहीं पर जैसे इनिशियल, जैसे एक बाइक है, अब एक बाइक ही देखो, अब हमारी ये बाइक है, देखो मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर देती हूँ. सी अब हमारी बाइक है जो चली है कितने पे, हमारा मीटर कितने पे था, 100 पे था, ठीक है 100 पे. और वो बाइक यहां से स्टार्ट हुई, इट मीन्स ये हमारा क्या है, इनिशियल. इनिशियल का मीनिंग क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट. अब वो वहां पर हम पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए. अब स्कूल पहुंच के हमारी बाइक का मीटर कितना हो गया, 150. इट मीन्स ये हमारा क्या है, फाइनल. क्लियर, ये हमारी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जहां से स्टार्ट करी थी, ये क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, जहां पर. अब इन दोनों में चेंज इन वेलोसिटी हुई है तो कितना हुआ, हमें वेलोसिटी निकालनी है. तो 150 अप माइनस 100 हो जाएगा अपॉन टाइम, तो कितना आएगा, 50 अपॉन टाइम. टाइम मान लो कि हमारे कितने में पहुंचे हम, 10 मिनट में. कितना टाइम आया हमारा, 10 मिनट. तो हमने यहां पर क्या पुट कर दिया, 10, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी आई, 5. क्लियर, तो ये हमारा पास है फार्मूला से. तो एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ये रहा ए का मीनिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन. वी का मीनिंग फाइनल वेलोसिटी, मतलब जहां पर रीच कर चुके हैं. और यू का मीनिंग क्या होता है, इनिशियल, जहां से हमने स्टार्ट किया है. क्लियर, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब बेटा जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज पर इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है इक्वल इंटरवल, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, वो इक्वली इंक्रीज होगी और इक्वली ही डिक्रीज होगी. तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे कोई बॉडी अगर ऊपर से हमने दो नोटबुक गिराई, तो दोनों क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल, मतलब जो उनकी वेलोसिटी होगी वो इक्वल और इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी. बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ होता है. लाइक अगर एक पत्थर और एक पेपर हम ऊपर से फेंकते हैं, एक स्टोन हमने लिया और एक पेपर लिया, तो वो हम सबको पता है कौन पहले आएगा, स्टोन आएगा, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है. तो वो कौन किस में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में. क्लियर, तो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट. इसमें क्या आएगा, इक्वल अमाउंट में, और इसमें क्या आएगा, अनइक्वल अमाउंट में. लाइक कार मूविंग ऑन बिजी रोड, अब आपकी कार है और मेरी कार है, आप जल्दी पहुंच गए क्योंकि आपको ट्रैफिक नहीं मिला है, और मैं लेट पहुंची क्योंकि मुझे क्या मिली है, ट्रैफिक मिली है. तो वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और एवरेज स्पीड मैंने बताया था सबको, ठीक है. अब इसमें क्या आता है, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड में क्या आता है बेटा जी, कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टोटल टाइम, कि टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है कितने टाइम में. लाइक अब जैसे हमने बताया था कि 5 to 5 और अपॉन टोटल टाइम, हमें देखना है कि हम लाइक हम स्कूल, घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर, ठीक है. हम घर से स्कूल गए कितना, 5 किलोमीटर, और फिर घर से स्कूल, स्कूल से घर आए वो भी कितना है, 5 किलोमीटर. जाने में भी कितना टाइम लगा, 10 मिनट. आने में भी कितना लगा, 10 मिनट. इट मीन्स दोनों को क्या करेंगे, प्लस. तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना किया, 10. टाइम कितना हो गया, 20. क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना है, 1/2. इट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर, तो जब हमें एवरेज निकालनी होती है तो हम टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं उसे प्लस और टोटल टाइम, और उनको फार्मूला में पुट कर देते हैं. अंडरस्टूड, ये रहा हमारे पास फार्मूला. अब आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जब यूनिफॉर्म होता है तो वो हमें स्ट्रेट लाइन शो करता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो वो हमें कर्व्ड लाइन शो करता है, और जब ये स्ट्रेट लाइन होती है तो ये हमें क्या करता है, स्टेशनरी, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में. तो बच्चा अगर किसी को इस टॉपिक में, अब तक में ये हाफ चैप्टर हमारा मोशन हो चुका है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आते है, यू विल कॉल मी एंड आस्क मी एनी डाउट. ओके, सो बाय एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.